अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। बच्चों, एसी इन एन इंडक्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं बात एसी इन ए कैपेसिटर। इस पर हम बात करेंगे कि एक कैपेसिटर में से जब एसी पास हो जाए तो क्या होता है और वो किस तरह से कैपेसिटर एक एसी के लिए बिहेव करता है। इसके लिए पहले हमें कंसेप्चुअली कुछ चीजें सीखनी होगी। देखिए, होता क्या है कि जब आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी, मान लीजिए बैटरी के साथ, एक डीसी सोर्स के साथ, मान लीजिए अभी एसी हमने नहीं किया कनेक्ट, अभी हमने इस कैपेसिटर को एक डीसी के साथ कनेक्ट किया, तो अब अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल है आपकी बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो जाएंगे। इन्हें करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से ये होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ इस प्लेट से, कैपेसिटर के इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो लिहाजा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये जो प्लेट है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इस प्लेट की ओर, और इस प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरीके से हम फिलहाल के लिए मानेंगे कि ये कैपेसिटर जो है इसके प्लेट इस पर ये चार्ज आ गया और करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से रही, क्लॉकवाइज सर्किट में या कन्वेंशनल डायरेक्शन की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। मगर एक्चुअली होता क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस तरह फ्लो होने लगते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर इंक्रीज होता हो जाता है। धीरे धीरे जब वो इंक्रीज हो गया तो वो अपने किसी वैल्यू तक पहुंच गया जिसको हम इस कैपेसिटर के लिए मान सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब ये कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो अब आगे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो हो रहे हैं ताकि इसका और पॉजिटिव चार्ज बन जाए, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो हो रहे हैं अब उनको ये पॉजिटिव तो अट्रैक्ट कर ही रहा है लेकिन ये पॉजिटिव उनको आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसका मतलब ये जो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ ही नहीं करेगा इस बैटरी की तरफ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आने के लिए। तो नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर रुक जाएगा, तो ये करंट जो है ये इसके बाद इसमें से पास नहीं होगी। मतलब कुछ देर के लिए पहले ये पॉजिटिव चार्ज तो हो गया तो लेकिन फिर करंट ही रुक गया कैपेसिटर में से। क्यों रुक गया? क्योंकि जब ये प्लेट इतना पॉजिटिव हो गया कि ये और इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। नतीजा ये कि करंट रुक गई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक गया, सो दैट मीन्स नो करंट इज पासिंग। तो इस तरीके से आप एक डीसी को एक कैपेसिटर में से पास नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर जो है इसमें से करंट पास नहीं होती, तो उसकी वजह मैंने आपको यहाँ पर आपको बता दी। अब दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर एसी लगा देंगे, तो जब आप एसी लगाएंगे तो होगा क्या, इस एसी की वजह से क्या होगा कि पहले मान लीजिए ये हाफ साइकिल पास हो गया, एसी का ये वाला हाफ साइकिल, पहला वाला हाफ साइकिल पास हो गया। और क्या हो गया, इस हाफ साइकिल से इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा बढ़ने लगा और तब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहे इस तरफ। तो अगर हम एक मिनट के लिए माने कि ये एसी का इस तरीके से, अभी एसी में से करंट पास, जो करंट निकल रही है पहले हाफ साइकिल के लिए, तो वो करंट जो है क्लॉकवाइज है। मान लीजिए ये क्लॉकवाइज करंट दे रहा है इस एसी से, ये हाफ साइकिल उस क्लॉकवाइज करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही ये करंट यहां से निकल रही है, तो एक मिनट के लिए मान के चलते हैं
ये एंड या ये टर्मिनल पॉजिटिव बन रहा है एसी के लिए, ये नेगेटिव आप जानते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड पॉजिटिव फिक्स्ड नेगेटिव नहीं होता है, तो जो भी पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव है वो फिर पॉजिटिव बनेगा। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 2 मिनट के लिए इसको मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नतीजा ये कि एक हाफ साइकिल जो पास हो गया इस एसी की वजह से, तो मान लीजिए उसने इस प्लेट को उस वक्त ये एंड बिहेव कर रहा था पॉजिटिव और ये बिहेव कर रहा था नेगेटिव, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये प्लेट जो है फिर से पॉजिटिव बन गया, जिस तरह डीसी के वक्त ये पॉजिटिव बन गया था। अब ये इस हाफ साइकिल की वजह से पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन इस हाफ साइकिल का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पीक वैल्यू तक पहुंचने के बाद इसका पॉजिटिव मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही यहां से फ्लो ऑफ, जब ये मैक्सिमम पहुंच गया, बहुत ज्यादा वैल्यू बन गया इस पॉजिटिव का, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से आने नहीं देगा इस तरफ, जैसे डीसी में हो रहा था, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है इसका डिक्रीज हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल पास हो गया। जब नेगेटिव पास हो गया तो इसका मतलब ये एंड अब नेगेटिव माना जाएगा और ये वाला एंड अब पॉजिटिव माना जाएगा, और इसका पॉजिटिव पोलैरिटी जो है या इसका एक पॉजिटिव चार्ज जो है प्लेट का, ये अब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रोकेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी फ्लो हो जाएंगे, और इस तरीके से पहले हाफ साइकिल के लिए भी ये कैपेसिटर जो है करंट को फ्लो करवाएगा और दूसरे हाफ साइकिल के लिए भी करंट को फ्लो करवाएगा। समझ रहे हैं आप? मैं फिर से बता देता हूं, जब आप ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, मान लीजिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जब आप ये पास करवा रहे हैं तो ये प्लेट क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। अब जब इसका बहुत पॉजिटिव वैल्यू बनेगा तो क्या होगा, फिर पॉजिटिव बनने का मतलब क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये एंड अभी पॉजिटिव माना जाएगा, ये हम मानेंगे नेगेटिव, ठीक है ना, और ये प्लेट अभी क्या है, ये प्लेट अभी पॉजिटिव है, तो जब इसका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा आ गया कि इसका पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अब छोड़ नहीं रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त क्या हो गया, फिर ये पॉजिटिव वैल्यू इसका वो उतना मैक्सिमम जो इसने अटेन किया वो कॉन्स्टेंट नहीं रहा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है ना। तो नतीजा ये कि जब ये हाफ साइकिल भी इसमें से पास होने लगा तो ये पोलैरिटी यहाँ पर चेंज हो गई, अब ये नेगेटिव है और ये अब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज अब डिक्रीज हो रहा है। जब इसका पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है तो इसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या हो रही है, कम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्लो हो जाएंगे, तो इसका मतलब डीसी में क्या कर रहा था, ये पॉजिटिव बन गया तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने दे रहा था, तो करंट रुक रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इसका पॉजिटिव बनने के बाद इसका पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने देता है और करंट फ्लो होती रहती है, तो इस एसी को ये कैपेसिटर जो है, ये एसी को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है ना, बल्कि इसमें से एसी जो है वो पास होती रहती है। ये हाफ साइकिल पास हो गया, मान लीजिए ये प्लेट पॉजिटिव हो गया, फिर उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल पास हो जाएगा, ये पॉजिटिव फिर कम होता रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव कभी भी इतना नहीं होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उसको आगे यहाँ से फ्लो ना होने दे, तो इसका मतलब ये करंट जो है वो हमेशा ही फ्लो होती रहे, और उसकी डायरेक्शन वगैरह जो आप देख रहे हैं, पोलैरिटीज की चेंज होती रहती है, वही होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक डीसी जब हम एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कैपेसिटर उस डीसी को कुछ देर के बाद ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर के एक प्लेट पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को वहां से जाने नहीं देता और करंट बंद हो जाती है, करंट रुक जाती है। तो कैपेसिटर में हम देखते हैं कि कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता, लेकिन यही कैपेसिटर एसी को किस तरह से पास करवाता है कि इसका जो पहले पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन गया उसका पॉजिटिव चार्ज फिर डिक्रीज होता है और नतीजा ये कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहते हैं। अब आप जानते हैं कि जो इसका अगर इंस्टेंटेनियस इसका वोल्टेज, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इसमें है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, यानी जो एसी सोर्स हमने कनेक्ट किया उसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये है। इस कैपेसिटर का कोई कैपेसिटेंस भी होगा,
तो फिर आप जानते हैं वो कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है, वो होता है क्यू डिवाइड बाई वी। तो मैं वी के बदले यहां पर लिखूंगा ई, कि मैं वी से वोल्टेज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से। तो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू हाँ सी इंटू ई। अब क्यू किसके बराबर है, यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट सी, एंड व्हाट इज ई, ई इज ई नॉट क्या भाई साइन ओमेगा टी। तो ये चार्ज का एक्सप्रेशन बन जाता है। अब अगर हम करंट देख लेते हैं, करंट क्या होता है, अच्छा मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं कैसे लिखूंगा, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ राइट हैंड साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बट डी क्यू बाई डी टी है क्या, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, डी क्यू डिवाइड बाई टी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, दैट मीन्स इट इज इंस्टेंटेनियस करंट। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू, शाबाश, ये मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं सी जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होंगे, कैपेसिटेंस एंड ई नॉट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटू डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी। इनको मैं डिफरेंशियल साइन से बाहर निकालूंगा, सी इंटू ई नॉट यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी। सो आई इज इक्वल टू सी इंटू ई नॉट। अब साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, वो है कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है, लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ कोफिशिएंट जो है टी के साथ वो है ओमेगा, तो जब आप डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करेंगे तो यहाँ बचेगा ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में, डिवाइड होता है क्योंकि यहाँ पर हम एंगल की डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, यानी आपको यहाँ पर लिखना है इंटू डी ओमेगा टी बाई डी टी, वहां से ओमेगा आएगा। तो साइन की डिफरेंशिएशन इज कॉस एंड कोफिशिएंट ऑफ टी हमने मल्टीप्लाई किया, तो लिहाजा ये क्या बनता है, ये सारी चीज क्या बनती है, ये सारी चीज बनती है आई इज इक्वल टू सी इंटू ई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी ओमेगा, इंटू सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। मगर आप एक और चीज लिख सकते हैं एक तरीके से, अगर आप इस तरह से लिखें कॉस ओमेगा टी, बट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल प्लस 90, तो आप यहाँ 90 प्लस एंगल आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी के बदले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई 1 बाई सी ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है भाई। ये क्यों लिखा आपने, ये सी ओमेगा 1 बाई सी ओमेगा ये क्या है भाई, अगर आप इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो आप ये आ जाएगा, शाबाश, ये आ जाएगा ई नॉट इंटू सी ओमेगा डिवाइड बाई 1, डबल डिवीजन में है, इधर भी डिवाइड साइन है इधर भी डिवाइड है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू सी ओमेगा डिवाइड बाई 1, तो ये फिर से वही बनेगा ई नॉट सी ओमेगा, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ दिस। तो ये मैंने इस तरह से लिखा। अब बताइए मुझे, अगर ये इंस्टेंटेनियस करंट है तो ये इस सर्किट में जिसमें हमने ये कैपेसिटर कनेक्ट किया है, तो अगर ये एक इंस्टेंटेनियस करंट है तो मुझे बताइए ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये सारा 1 होगा, क्योंकि
क्योंकि ये डिपेंड ही कर रही है किस पर, साइन पर। तो साइन मैक्सिमम कब होता है, जब इसका वैल्यू वन होगा। तो जब वैल्यू इसका वन होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगा, फिर ये आएगा, ये जब वन होगा सारा तो इसका वैल्यू आएगा मैक्सिमम ये। तो मैं यहां पर लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम। आई किसके बराबर होगा, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, चलिए उसका नाम रखेंगे आई नॉट। और वो आई नॉट किसके बराबर होगा, शाबाश, ये आई नहीं, ये मैं लिखूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो होगा वो आई नॉट से हम डिनोट करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा ई नॉट डिवाइड बाई वन बाई सी ओमेगा, क्योंकि उस वक्त ये वन होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू करंट का किसके बराबर आएगा, वो ई नॉट डिवाइड बाई सी ओमेगा के बराबर आएगा। तो लिहाजा ये आएगा मैं इस तरह से लिखूंगा इस इक्वेशन को, अब आई इज इक्वल टू, शाबाश, आई नॉट, ये अब आई नॉट है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये एक्सप्रेशन आ गई करंट की कैपेसिटर में। अब वोल्टेज की एक्सप्रेशन बताइए क्या थी, ई इज इक्वल टू, वोल्टेज की क्या एक्सप्रेशन थी, ई इज इक्वल टू, शाबाश, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन थी। अब खुद ही समझ लीजिए क्या ये दोनों फेज में हैं। मैं ये वीडियो वही देखेगा जिसने पहले इंडक्टर में एसी का वीडियो देखा होगा, ये उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां मैंने पूरा डिटेल बताया है, बात की है कि किस तरीके से ये फेज डिफरेंस वगैरह पैदा होती है। तो यहां पर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंगल है, यहां पर क्या है, साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ओमेगा टी जीरो है, ठीक है ना, तो ई जीरो बनेगा, लेकिन इसमें देखेंगे तो जब ओमेगा टी जीरो है तो आई जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर बनेगा जीरो प्लस 90, तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट। आपने क्या देखा, आपने देखा किसी टाइम में अगर आप ई जीरो पाते हैं, किसी इंस्टेंट पर अगर आप ई जीरो पाते हैं इस इक्वेशन से, मगर आप यहां पर आई उस वक्त जीरो नहीं पाते हैं, उस इंस्टेंट पर आपको मिलता है आई इज इक्वल टू आई नॉट। अब हम यहां 90 वैल्यू रखेंगे, अगर ओमेगा टी 90 है तो बताइए क्या हो गया, साइन 91, तो आपको क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट। अब यहाँ 90 डालिए ओमेगा टी का वैल्यू, वो बनेगा 180, 180 के वक्त साइन जीरो होता है तो ये सारी करंट जीरो। तो आपने क्या देखा, जब आपको ई मिलता है इस इक्वेशन से ई नॉट, उस वक्त आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है करंट, शाबाश, जीरो। तो ये देख रहे हैं आप इन इक्वेशन से क्या, वेन ई इज जीरो आई इज आई नॉट, वेन ई इज आई नॉट, When E is zero, I is maximum. When E is maximum, I is zero. तो क्या आप कहेंगे कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज इन ए कैपेसिटर? नहीं। सेम फेज का मतलब क्या होता है? अगर वोल्टेज जीरो, करंट जीरो। अगर वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम। ठीक है कि नहीं? अगर वोल्टेज डायरेक्शन चेंज कर गई तो करंट डायरेक्शन चेंज कर गई। तो इसका मतलब दोनों आर इन सेम, दोनों सेम फेज में होते हैं उस वक्त। लेकिन क्या यहां पर बताया जा सकता है कि ये दोनों सेम फेज में है? नहीं। इनका फेज डिफरेंस क्या है, एंगल पाई बाई टू, ये इनका फेज डिफरेंस है। अब ये जरूरी नहीं हमेशा एंगल 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो, अगर 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो किसी सर्किट में, अगर कोई कैपेसिटर हो, एक सिर्फ कैपेसिटर ही उस सर्किट में हो, और उस कैपेसिटर में फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना हो, पाई बाई टू, तो हम उसको प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। व्हाट इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अ सर्किट दैट कंटेन्स अ कैपेसिटर इन विच द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90 डिग्रीज। आप जरा बताइए मुझे, इसमें करंट लीड कर रही है या वोल्टेज? देखिए करंट का एंगल क्या है, जब वोल्टेज ने एंगल बनाया ओमेगा टी, उस वक्त करंट का यहां पर देखिए एंगल ओमेगा टी प्लस 90, सो करंट लीड इज द वोल्टेज। इंडक्टर में आपने क्या देखा था, वोल्टेज लीड इज द करंट, यहां पर करंट लीड इज द वोल्टेज। इंडक्टर की इक्वेशन बताइए, उधर आएगा आई ई के बदले आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन करंट की आएगी, ये इक्वेशन उस वक्त आएगी वोल्टेज की, यहां पर होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और पाई बाई टू के बदले कोई फेज डिफरेंस। तो हम कहेंगे इन एन इंडक्टर वोल्टेज लीड इज द करंट, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है करंट को, और हम कहेंगे इन एन इंडक्टर करंट लैग इज बिहाइंड द वोल्टेज, इंडक्टर में करंट पीछे हो जाती है किसके, वोल्टेज के। कैपेसिटर में हम कहेंगे करंट लीड इज द वोल्टेज,
करंट लीड करती है किसको, वोल्टेज को, एंड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, और वोल्टेज जो है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में हम कहेंगे करंट लीड्स द वोल्टेज, एंड कैपेसिटर में हम कहेंगे वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। ठीक है, अगर इस फेज डिफरेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो 90 डिग्री वाली फेज डिफरेंस को, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट किया जाए इस तरह से, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये आएगा वोल्टेज के लिए E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो करंट का आ जाएगा, जब आपका एंगल जीरो होता है ये, तो उस वक्त आपकी वोल्टेज जीरो होती है, लेकिन जब आपका एंगल जीरो होता है ओमेगा टी, उस वक्त करंट मैक्सिमम होती है, तो ये इस तरह से आएगा कुछ ऐसे। ये यहां से हमने क्या लिया है, ई लिया है वोल्टेज, और हमने यहीं से क्या लिया है करंट भी, और यहां से क्या है, यहां से आप टाइम टी ले सकते हैं या एंगल ले सकते हैं। तो अब आप बताइए यहां जीरो जब वैल्यू ऑफ एंगल है, यानी ओमेगा टी जब जीरो है या टी टाइम का जब वैल्यू जीरो है, तो उस वक्त वोल्टेज क्या थी, जीरो, मगर करंट उस वक्त क्या थी, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर बताइए यहां पर क्या एंगल है, 90 डिग्री पाई बाई टू, तो पाई बाई टू के वक्त क्या वोल्टेज थी, पाई बाई टू के वक्त मैक्सिमम वोल्टेज थी, ये देखिए इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा, पाई बाई टू जब ये एंगल होगा तो वोल्टेज ई नॉट मैक्सिमम आएगी, मगर एंगल पाई बाई टू के वक्त अगर आप देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज जीरो, ये देखिए जीरो है, डॉटेड लाइन करंट को, डॉटेड ग्राफ डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड ग्राफ जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर डॉटेड ग्राफ पाई बाई टू के वक्त कहाँ पर है, जीरो पर, तो जरा दे दीजिए करंट में पाई बाई टू, तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या बनेगा, वो 180, 180 के वक्त साइन क्या होता है, जीरो, तो करंट कितनी बन गई, जीरो। अब अगर एक फेजर से हम या जिसको हम रोटेटिंग वेक्टर कहते हैं, यानी हम एक वेक्टर की तरह ही यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इसको हम फेजर कहते हैं या रोटेटिंग वेक्टर कहते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज एक वेक्टर से, ये वी इट इज, ये इतना बड़ा डाला जाता है जितना कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वोल्टेज का, ई मैंने रखा हुआ है, वी नहीं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वोल्टेज का, ये उसके परपेंडिकुलर, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है, इसको वेक्टर ना माना जाए, लेकिन ये वेक्टर की तरह होता है, क्योंकि वोल्टेज करंट के लिए ड्रॉ किया जाता है, वो चीजें स्केलर होती है, ये सिर्फ हम ड्रॉ करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि फेज डिफरेंस कितना है। तो हमने यहाँ पर एक फेजर ड्रॉ किया जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। दूसरा फेजर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो करंट को रिप्रेजेंट करेगा आई, तो इन दोनों के दरमियान जो आप ये एंगल देख रहे हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये इस चीज को, इन दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक रोटेटिंग फेजर होगा या रोटेटिंग वेक्टर होगा, या फिर आपको इसको फेजर कह सकते हैं। तो ये फेजर आपको ये दिखाता है, ये चीज दर्शाता है दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 90, ठीक है ना। ये बहुत आसान सी चीज है, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं दो वेक्टर्स की तरह ड्रॉ करते हैं, एंगल 90 आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में अक्सर इसको ड्रॉ किया जाता है इस तरह, ठीक है। एक फेजर इस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो दिखेगा 90। अब जरा देख लेते हैं, जब आपने यहां पर देखा था कि मैक्सिमम करंट किसके बराबर है, आई नॉट, और वो मैक्सिमम करंट किसके बराबर है, ई नॉट डिवाइड बाई 1/c ओमेगा, तो यहां पर एक बात पता चलती है, हम बाकी चीजें यहाँ रब करते हैं, अब ये चीज हमें जरूरत है, आप इस चीज को फिर से नोट कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन मुझे अभी चाहिए। मैक्सिमम करंट हमने इस केस में, कैपेसिटर के केस में इसके बराबर देखी, तो करंट होता किसके बराबर है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट होगी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस है अपोजिशन जो इस कैपेसिटर की है। अब इस कैपेसिटर की अपोजिशन, तो इसका मतलब ये 1/cr अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, क्योंकि ये जब करंट होगी यहां होना चाहिए करंट है, करंट इज इक्वल टू V/R,
तो इसका मतलब इसमें भी यही होना चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई अपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर। ये आर क्या है, रजिस्टर का अपोजिशन। तो इस केस में यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, वोल्टेज के नीचे डिनोमिनेटर क्या होना, वोल्टेज को क्या चीज डिवाइड करनी चाहिए, वोल्टेज को डिवाइड में होनी चाहिए अपोजिशन। तो इसमें इस केस में अपोजिशन का रोल किसने प्ले किया, वो अपोजिशन है 1/C ओमेगा, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद करिए इसको हम क्या नाम देते थे इंडक्टर में, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर हम इसको नाम देंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करेंगे XL से, सॉरी XC से। इंडक्टर में हमने डिनोट किया था इसको बाय सिंबल XL, तो यहां सिंबल है XC। ये मत कहिए सी कैपेसिटर है, नहीं, ये सिंबल है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। सो वो अपोजिशन क्या है, दैट इज 1/C ओमेगा। आप जानते हैं आप ओमेगा को लिख सकते हैं 2π ν, तो हम यहां पर लिखेंगे ओमेगा के बदले 2π ν इनटू सी। तो आप जरा देख लीजिए कैपेसिटर की अपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। जो एसी आपने पास की अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कैपेसिटर अपोजिशन कम करेगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो अपोजिशन ज्यादा करेगा। जिस तरह इंडक्टर में हो रहा था उसका उल्टा यहां पर हो रहा है। इंडक्टर में हमने क्या देखा, जो इंडक्टर की अपोजिशन है वो है 2π ν, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2π ν, ये आ रहा है वीडियो में नहीं, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज, शाबाश, व्हाट, 2π ν। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, 2π ν, XL इज इक्वल टू 2π ν। XL आपके वीडियो में नहीं आ रहा है, लिख लीजिए, है पता है आपको, पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2π ν। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एसी की, अपोजिशन इंडक्टर ज्यादा करेगा। तो हमारे पास दो चीजें हैं ना, इंडक्टर कैपेसिटर। इंडक्टर में आपने क्या देखा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एसी इसको दे दीजिए, ये ज्यादा अपोजिशन करेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी इसको दे दीजिए इंडक्टर को, ये कम अपोजिशन करेगा। लेकिन कैपेसिटर में आपने उल्टा देखा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एसी को आप कैपेसिटर में दे दीजिए तो अपोजिशन कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी अपोजिशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कम फ्रीक्वेंसी वाला एसी दीजिए तो कैपेसिटर को ज्यादा अपोजिशन करेगा, ये उल्टा कर रहा है, जो ये कर रहा है इंडक्टर उसका उल्टा आपको कैपेसिटर करके देता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ज्यादा अपोज करेगा ये इंडक्टर, ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कम अपोजिशन करेगा, ये लो फ्रीक्वेंसी एसी को कम अपोजिशन करेगा, ये लो फ्रीक्वेंसी एसी को ज्यादा अपोजिशन करेगा। यानी इसमें अपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इसमें अपोजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एंड दिस एक्स इज कॉल्ड व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट डज इट मेजर, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर, सो इट इज अपोजिशन, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओम्स इन एसआई यूनिट्स। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही, आगे और वीडियोस में और बात करेंगे इंशाल्लाह।